बरेली मस्जिद में हो रहा अवैध निर्माण, हिंदू संगठनों ने रुकवाया निर्माण। विधायक ने 17,94,00,000 रुपए का किया लोकार्पण, करोड़ों की लागत से बनी गोरिया घाट कंचनपुर की सड़क। सिलेंडर से ट्रेन को उड़ाने की साजिश, कालिंद्री एक्सप्रेस ट्रेन को बनाया निशाना। ग्राम सभा में जन चौपाल का किया गया आयोजन, काफी संख्या में लोग रहे मौजूद, समस्याओं का निस्तारण करने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है, देख रहे हैं आप आज की खबर। बरेली में मस्जिद में हो रहे निर्माण को लेकर हिंदू समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि मस्जिद में अवैध निर्माण हो रहा है, इसको तुरंत रोका जाए, जिसके बाद हिंदू समाज के लोगों ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को रुकवा दिया। देवरिया जिले में स्थित गोरिया घाट कंचनपुर मार्ग का निर्माण कार्य पूरे होने के बाद इसका विधिवत लोकार्पण किया गया। 17,94,00,000 रुपए की लागत से बने इस नव निर्मित मार्ग का उद्घाटन करते हुए स्थानीय नेताओं और क्षेत्रवासियों ने इसे क्षेत्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया। इस सड़क निर्माण से क्षेत्र के लोगों में हर्ष का माहौल है, आने जाने में सहूलियत होने के कारण जनजीवन में बड़े बदलाव की उम्मीद। लगाकर आज इस गांव की चमचमाती सड़क बनाया है और मुंडेरा मिस्त्री का कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि आज मुझे कीचड़ में जाना पड़ता है। आज हमारी सरकार जहां देश और प्रदेश में विकास का कीर्तिमान स्थापित कर रही है, अभी हम लोग मिश्रौली चौराहे से लेकर और बगड़ा से उपगड़ा शाहपुरपुरैनी होते हुए हम लोग पत्थर देवा जाने तक की 2 लेन की सड़क बना रहे हैं। हम वहां से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हम लोग कोला मुड़ेरा चौराहे से भाईचाटा पर रामपुर तुकुल होते हुए पत्थर देवा जाने के लिए भी हम लोग 2 लेन की सड़क बना रहे हैं। कानपुर में लगातार तीसरी ट्रेन की घटना सामने आई है। इस घटना में हर बार की तरह साजिश के चलते ट्रेन और यात्रियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। बता दें, कालिंद्री एक्सप्रेस ट्रेन जब कानपुर के शिवराजपुर स्टेशन के रेलवे ट्रैक के पास पहुंची तो ट्रैक पर एलपीजी गैस सिलेंडर रेल की पटरी के बिल्कुल बीच में रखा था, जिससे ट्रेन को धमाके के साथ उड़ाने की साजिश थी। इस घटना के बाद अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि कोई नुकसान नहीं हुआ, दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन को रवाना कर दिया गया, संदिग्ध सामानों को जब्त कर जांच जारी है। देखिए, आज यहाँ पे कल रात को एक ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पे काम कर रही है, सभी पहलू पे को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। हमारी सभी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और कारको तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सभी जांच एजेंसियां हमारी लगी हुई हैं और हम लोग इस मामले को लेकर के बिल्कुल जागरूक और संवेदनशील हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अतिशीघ्र इसका हम लोग अनावरण करें। अभी आप लोगों ने देखा, डॉग स्क्वाड भी सुबह भी हमारा आया था, शाम को भी अभी हम लोग लगाए हैं। कुछ जगह ऐसी चिन्हित हुई जिसमें लगा कि यहाँ पे बदमाश हो सकता है बैठे हों, उसको भी देखे, लेकिन बारिश होने के बाद स्मेल शायद उसको ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपना सारी एजेंसियाँ लगी हुई हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि घटना का सिलसिला ना हो। जनपद मिर्जापुर के सिटी ब्लॉक के चौपाल का आखिरी दिन ग्राम सभा में जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिससे ग्राम प्रधान अरु फाउंडेशन से अभिषेक ओझा और हरिगोपाल सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान शौचालय और आवास से संबंधित समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। प्रमुख समस्याएं, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार बिंदे है, ग्राम पंचायत करणपुर से बोल रहा हूँ और मुख्य समस्या ये थी कि लोगों को शौचालय, आवास, जॉब कार्ड जो नहीं बना था उसके लिए जो समस्या थी उसके बारे में बातचीत की गई। सभी अधिकारी उपस्थित थे, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी लेखपाल साहब, बैंक के, आंगनवाड़ी के, जो सभी विभाग से उपस्थित थे। आवास की, शौचालय की, अब नोट बताया जा रहा है कि जो उसके सरकार ने जो मानक दिया है उस मानक के अनुसार जो पात्र होगा उसको दे दिया जाएगा। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में श्रद्धा का जनसैलाब देखने को मिला। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर आज लोलार का कुंड वाराणसी में अस्थवानों की भीड़ उमड़ पड़ी। देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालुओं ने शहर के भदैनी में स्थित पौराणिक लोलार का कुंड में आस्था की डुबकी लगाई। मान्यता है कुंड में स्नान करने और लोलारकेश्वर महादेव की पूजा करने से संतान की प्राप्ति और तमाम रोगों से मुक्ति मिलती है। अमरोहा कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन भानु की मासिक बैठक आयोजित की गई। किसानों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ, साथ ही समाधान कराने की बात पर जोर दिया गया।
किसानों का कहना है राष्ट्रीय स्तर पर किसान आयोग का गठन होना चाहिए, गन्ने का रेट 500 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए, राशन कार्ड में फिंगर अपडेट करने पर अवैध वसूली की जा रही है, एमएसपी गारंटी कानून लागू हो, प्रदेश राज्य स्तर पर किसानों की कर्ज माफी के लिए योजना लाई जाए सहित अन्य मांग उठाई। साथ ही एक मांग पत्र डीएम के नाम सौंपा। अमरोहा के निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्र की मां से समाज विरोधी और विभाजनकारी बातें करी। बता दें बच्चे को लेकर प्रिंसिपल ने मुस्लिम समाज के खिलाफ गैर कानूनी बयान दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी नेताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। आज जो हम यहाँ पर डीएम साहब से हमने एक डेलीगेशन के रूप में मुलाकात की है और अपना एक जो लिखित में एक ज्ञापन हमने दिया है, हम ना कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं जब तक, क्योंकि अभी जांच चल रही है, उसकी कार्रवाई होने पर ही हम कोई प्रदर्शन करना चाहेंगे। लेकिन जो हिल्टन पब्लिक स्कूल के अंदर प्रधानाचार्य के द्वारा अभद्रता बच्चे के साथ, 7 साल के बच्चे के साथ की गई है, वो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस हमारी मांग ये है डीएम साहब से कि वो समय संज्ञान लेकर के इतने बड़े अपराधी को किसी भी पद पे, किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी विद्यालय के अंदर, कहीं शिक्षा मंदिर के अंदर, उसको किसी भी पद पे बने रहने का कोई अधिकार है नहीं। क्योंकि आज वो जब 7 साल के बच्चे से इतनी अभद्रता कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि किसी बड़े से, एक समुदाय विशेष के लोगों से उसको इतनी घृणा है कि उनके 7 साल के बच्चे से नफरत कर रहा है, उसको बम फोड़ने वाला आतंकवादी बता रहा है, समझे, झूठा इल्जाम लगा रहा है कि नॉनवेज लेकर के आ रहा है। अरे नॉनवेज लाए कोई या कुछ भी लाए, कोई धर्म स्कूल के अंदर नहीं होता है, स्कूल में कोई धर्म नहीं होता है, सबको अपने अपने तरीके से रहने का अधिकार है। और हम उसको मांग करते हैं, डीएम साहब से हमने मांग की है कि वो समय संज्ञान लेकर के इसको इतनी कड़ी सजा दें कि इस तरीके की हरकत कोई भी शिक्षा के मंदिर में रहने वाला टीचर हो, प्रधानाचार्य हो, कोई भी ऐसी कोई हरकत ना करे, और उसको किसी भी पद पर रहने का अधिकार ही नहीं है। आज जो हम अमरोहा में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने संभव पोर्टल के माध्यम से जन शिकायतें सुनी, इसके बाद 3 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ। वहीं अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि संभव पोर्टल 2 साल से चल रहा है, जिसमें जितनी भी नगर पालिका क्षेत्र में शिकायत आती है उनका तुरंत निस्तारण किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय नगर विकास मंत्री जी की पहल पे ये संभव दिवस जो है आज के लगभग 1.5-2 साल पहले स्टार्ट हुआ था, और उसी त्वरित गति से एक अच्छे रिजल्ट के साथ ये कंटिन्यू है हमारा पोर्टल। इसमें नगरपालिका नगर पंचायतों में सोमवार को जो है 10 बजे से 2 बजे के मध्य जो है वो नगरीय समस्याएं जो भी हो, चाहे जल निकासी की हो, चाहे वो स्वच्छता की हो, चाहे वो डोर टू डोर कलेक्शन की हो, चाहे पानी की हो, वो सभी से संबंधित शिकायतें सुनी जाती हैं, उनका उसी प्रकार से समाधान होता है जिस प्रकार एक ऑनलाइन गुणवत्तापूर्ण IVRS के माध्यम से आप लोग समाधान कराते हैं। बदायूं में LLB की छात्रा ने मदरसा शिक्षक और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़ित छात्रा ने आज SSP बदायूं को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। मामले में पुलिस जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात करी। देखिए, आज पुलिस ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान एक महिला जो ककराला की रहने वाली है वो आई थी और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि एक शिक्षक ने उनके साथ शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए और अभी शादी से वो मना कर रहा है। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र को थाने के लिए एंडोर्स कर दिया गया है, थाना प्रभारी से बात कर ली गई है और इस संबंध में उद्योग पंजीकृत कर आगे कार्रवाई की जाएगी। रफी शान जो मदरसा शिक्षक हैं और वार्ड नंबर 15 के रहने वाले हैं, पुत्र नन्हे खां जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुझे प्रेम जाल में फंसाया और निरंतर मेरा मुझसे शारीरिक संबंध बनाए और मुझे शादी का वादा करते रहे। फिर मैंने जब शादी का कहा तो उन्होंने और उनके भाइयों ने मुझे डराया, धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। रफी बरेली में ड्यूटी से वापस आ रही युवती के साथ दूसरे समुदाय के युवक ने छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए और आरोपी को पकड़ लिया। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। इस दौरान आरोपी का दोस्त पीड़ित के घर पहुंचा और जान से मारने की धमकी देने लगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे भी पकड़ लिया। घटना के बाद दोनों समुदाय के लोगों में तनाव की स्थिति
बीसलपुर की कटना नदी में आज एक 18 साल युवक की डूबने से मौत हो गई। बता दें आपको कि बीसलपुर के निवासी तांगे पर बैठकर कटना नदी के पुल से गुजर रहे थे, अचानक पानी को देखकर उसमें छलांग लगा दी। सूचना पर फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पर पहुंचकर युवक के शव को बाहर निकाला। वहीं युवक की मृत्यु से परिवार में कोहराम मचा है। कटना नदी बुग्गी था बैठ के, अभी मार का चुना भैया, भाई इधर दौड़ा जा तो, और कोई बात ना है, और जो तेरा काब हो बुग्गी बारन मार डरो, का करो लुड़े मारे, हम तो संगे ना आए, हमने हमें ना पता भैया, हम तो नदी डूबत मर गए। हमीरपुर के पीडब्ल्यूडी अवर अभियंता को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। बता दें अफसर को 12 सदस्यीय एंटी करप्शन टीम ने ठेकेदार से 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। ठेकेदार की तहरीर पर सदर कोतवाली में FIR दर्ज हुई है और टीम जेई को अपने साथ बांधा ले गई। ये सुमेरपुर में एक जेई कार्यरत है लगभग 11 साल से, और ये चार्ज में थे और काफी भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। मेरे पास एक ठेकेदार आए थे 5 तारीख को, जिन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि उनका खुद का जो 2 लाख की सिक्योरिटी जमा है नगर पंचायत सुमेरपुर में ठेकेदारी का, उसके लिए वो 20,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे निकालने के लिए। तो हमने 6 तारीख को बांदा की जो एंटी करप्शन टीम से बात की, बात करने के बाद उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ 9 तारीख को छापा मारा और रंगे हाथ PWD विभाग में 10,000 की रिश्वत देते हुए पकड़ा है, और अभी कोतवाली हमीरपुर लाए हैं, इसके बाद उनको बांदा ले जाया जाएगा। लखनऊ में एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला BKT थाना अंतर्गत मौर्य नगर का है। बीती रात अज्ञात चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के गहने नकदी चोरी कर ले गए। पीड़ित परिवार कुछ दिन पहले गांव गए थे, सुबह वापस आने पर देखा कि घर के मुख्य गेट का ताला टूटा है, अंदर 3 कमरों की रखी अलमारी के लॉकर टूटे हैं और जिसमें से लाखों के गहने और नकदी गायब थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हम लोग आज सुबह जब घर आए तो हमारे घर का ताला टूटा हुआ था और सारा सामान चोरी हो गया, ऊपर और नीचे सब चीज। अनुमान 15 से 20 लाख के करीब का ही है। चोरी का तो वही जो पुराना, जैसे चैन थी मम्मी की, पैजेबे थी और गहने थे सारे, भाभी के सारे गहने थे, सब चीज चोरी हुई। हम लोग भूतेश्वर से बल्लभ महाराज के मंदिर पर महाराज का हुआ जलाभिषेक, धूमधाम के साथ मनाया गया जन्मोत्सव। बता दें कि भूतेश्वर स्थित बलभद्र कुंड के पास बने प्राचीन बलदेव महाराज का जन्मोत्सव आज हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके लिए आज पंचामृत से बलदाऊ महाराज का भक्तों ने दाऊ महाराज की प्रतिमा का विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।